ओके सो ही द गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस का आज के वीडियो में दोबारा का चैनल है पोकेमोन एल्क्रे को। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट एपिसोड में हम लोग ने जिम लीडर को हरा दिया था जो कि डैनी था, और हाँ हमें सेकंड जिम बैच भी मिल गया था। अब बचा है बस दो जिम बैच जीतना, तो या फिर उसके बाद एंड हो जाएगा ये सीरीज आई थिंक। और ये तो शायद वो मूवी तक ही एंड हो जाएगी ये सीरीज देखा जाए तो, क्योंकि ये जो गेम बनाया है ना उसने आगे का बनाया ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा किया। तो चलो कोई ना, आज हमें पता नहीं कहाँ जाना है, आई थिंक इधर ही जाना होगा, तो चलते हैं इस पे बैठ के। सॉरी बट यू नीड द ट्रॉपिक पास इन ऑर्डर आर्क प्लेगो। ओके तो इधर से नहीं जा सकते, तो अब कहाँ जाना है, इधर ही। यार मैंने रास्ता तो ध्यान नहीं दिया कि हम लोग आए कहाँ से थे। हम लोग आए उस साइड से थे ना, लेफ्ट साइड से, तो हमें आई थिंक राइट साइड जाना है। लेकिन उससे पहले रिपेल मारेंगे क्योंकि पोकेमोन आते हैं ना तो दिमाग ख़राब होता है। एंड चलो लेट्स गो फॉर मैक्स रिपेल और चलते हैं। अब इधर से ही रास्ता होगा, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फिर से वापस जा रहा हूँ। मैं आया कहाँ से था यार, लिटरली मैं भूल गया। सही में मैं आया कहाँ से था, कोई बताएगा, मैं सही में भूल गया। और ये कौन से जगह पे आ गया, ग्रेस्पी पाथ वन, ग्रीपा बेरी आइलैंड वन। ओके स्टॉप थीफ, ये कौन बोला, आई कॉट यू रेड हैंडेड सो यू थॉट यू कुड जस्ट कम हियर एंड स्टील आर ग्रीपा बेरीज आफ्टर वी वर्क सो हार्ड टू ग्रो देम। अरे भाई मैंने नहीं चुराया, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं कोई नहीं पता मैं इधर कहाँ से आ गया। So you are earned the Gripa thief. I'm sorry, I acted that way. और तुझे क्या लगता है मैं सस्ती सी बैरी लेने तेरे इधर आऊँगा चुराने। But lately someone's been coming into our grooves and stealing our Gripa berry. Oh, और कौन ही होगा भाई, अपना टीम रॉकेट ही होंगे, और कौन ही होगा। I work so hard to grow the Gripa berries on this island. I can't stand the thought of losing a सिंगल वन, दे आर ऑलमोस्ट लाइक माई चिल्ड्रन सो आई केयर अबाउट ऑफ ऑल देम। आई नो द ग्रीपा बेरी थीफ इज ऑन वन ऑफ दिस आइलैंड समवेयर, इफ यू फाइंड हिम प्लीज लेट मी नो राइट अवे। ओके पर उसका कुछ देगी तू, तू कुछ देगी तभी मैं करूँगा। ओके अच्छा ये स्नोलैक्स वाली कहानी है, हाँ तो टीम रॉकेट नहीं है, स्नोलैक्स हमें मिलेगा यार। तो अगर इससे बैटल होगी ना तो मैं सोच रहा हूँ यार इसका लेवल कितना होगा, क्योंकि देखो मैंने जब रैपरेस मिला था तो उसका बस 30 लेवल था, तो मेरे हिसाब से स्नोलैक्स का भी लेवल कम होगा। तो कम लेवल वाला पोकेमोन आगे रखेंगे जिससे उसको पकड़ सके हम लोग। स्नोलैक्स इज डिवोरिंग द ग्रीपा बेरीज ग्रीडली, इट वोंट इवन एक्नॉलेज यू, इट लुक्स लाइक इट्स ईटन ऑल द बेरीज ऑन द आइलैंड, मे बी इट विल गो टू स्लीप नाउ। अरे भाई मोटा भाई तो सोने जाएंगे ही नहीं, मोटा भाई को तो और ठूसना है। ओ नो आई डिडंट थिंक दैट स्नोलैक्स वुड स्विम, दैट मस्ट बी हाउ इट गॉट हियर इन द फर्स्ट प्लेस, प्लीज फॉलो इट टू द नेक्स्ट आइलैंड एंड डू वॉट एवर यू कैन टू स्टॉप इट बिफोर इट ईट्स ऑल द ग्रीपा बेरीज ऑल ऑफ द आइलैंड। हाँ वैसे मैं भी अभी सोच रहा हूँ भाई उसका वजन इतना भारी है वो कैसे सर्फ कर रहा होगा भाई पानी में, ये तो अजीब बात है पर ठीक है। और दूसरा आइलैंड कहाँ है भाई, मुझे क्या पता। ओ आई थिंक ये है, मोटा भाई तुम इधर ही हो क्या, आइलैंड टू। मोटा भाई मोटा भाई, ये रहे मोटा भाई, मस्त ठूसे जा रहे और फिर चले गए मोटा भाई स्विम करके। भाई मोटा भाई के पास भी कुछ काम धंधा नहीं है, नहीं वैसे मोटा भाई का काम ही है। चलो भाई ये कौन सा है, थर्ड आइलैंड। अरे भाई तुम इधर ही हो क्या, अरे भाई कितना भागेगा, थक नहीं गया भाई। लिटरली स्नोलैक्स तो आलसी पोकेमोन होते थे मैंने जहाँ तक सुना था, तो ये इतना भाग क्यों रहा है। चलो आगे तो चलते हैं हम लोग, और इधर रास्ता नहीं है तो कहाँ जाना है अब। इधर एक आइलैंड है आई गेस, इधर जाना है या फिर कहीं और, देखते हैं देखते हैं कहाँ तो पहुँच ही जाएंगे हम लोग। रिपेल इफेक्ट ख़त्म हो गया, कोई ना फिर से लगा लेंगे, दिक्कत नहीं है।
ओके लगा लिया, अब चलते हैं हम लोग मोड़ा भाई को पकड़ने। अरे मोड़ा भाई कहाँ जा रहे हो? फोर है आइलैंड और ये रहे फिर खा रहे हैं। कितना खाओगे भाई? इसलिए मैंने वो क्या बोलते हैं पोके ब्लॉक रहता है ना, शायद एक बार दिखाया भी था कि ये एनीमे में कि जो ये है स्नोलैक्स को प्रोफेसर ओक ये देते हैं पोके ब्लॉक, जिससे एक खाने पे ही पेट भर जाता है, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि स्नोलैक्स जैसे पोकेमोन के लिए पूरे गांव भर का राशन चाहिए, और सही है मतलब स्नोलैक्स का, नहीं तो स्नोलैक्स से पूरा अनाज ख़त्म कर देगा, फिर दुनिया खाएगी क्या? हाँ तो ये सीन तो काफ़ी सही है। और मैं स्विम क्यों नहीं कर पा रहा, एक सेकेंड। हाँ चलो अब इधर से चलते। और हाँ मेरे पास तो राफ्ट भी था, राफ्ट कहाँ चला गया? एक सेकेंड, पर राफ्ट की किसको ही ज़रूरत है ना, हमारे पास यार लैपरस है। ओ भाई टेंटाकूल आ गया। अच्छा हाँ इसका लेवल ज़्यादा है ना, इसीलिए लैपरस से बच गया। चलो कोई ना, इधर चलते हैं। और कहाँ गए भाई मोटा भाई? ये रहे मोटा भाई आराम से टूस रहे। सिक्स आइलैंड भाई, ओ हो गया क्या? स्नोलैक्स ईटिंग ग्रीडली डिवोरिंग द आइलैंड ऑफ ऑल द ग्रीपावेरीज, कांट एनीथिंग स्टॉप इट। ओ हाँ जिगलीपफ अपीयर्ड, इट्स स्टार्टिंग टू सिंग, स्नोलैक्स इज गेटिंग ड्राउजी, मे बी दिस इज योर चांस टू बैटल इट। ओके नाइस, हम लोग बैटल कर लिए। वैसे मैंने सेव नहीं किया था पर चलो कोई ना। ओ 35 है, मुझे लग ही रहा था कि कम होगा। क्या मारे? आइस बीम? प्लीज़ मरना नहीं, ऐसे क्यों ही मरेगा ना, क्योंकि स्नोलैक्स का डिफेंस बहुत अच्छा होता है तो वो इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला। पर अच्छी बात है ये आराम से सो रहा है, मैं तब तक अटैक्स अपने करता रहता हूँ, स्पैम करता हूँ अपने अटैक्स, और जब एकदम कम हेल्थ हो जाएगा फिर पोकेबॉल भेजेंगे और अपने मोटा भाई को पकड़ लेंगे। ओह स्नोर का, अरे हाँ मैं भूल गया, स्नोर तो ऐसा का अटैक है कि सोते हुए भी पोकेमोन कर सकता है। ओह एक अटैक की बस करना है, पर ये मर ना जाए, मुझे ऐसा लग रहा है ये मर जाएगा, इसलिए मैं आइस बीम कर रहा हूँ। पता नहीं यार, एक तो सेव करा रहता ना तो डर नहीं लगता। ओह नाइस, अच्छा है मैंने आइस बीम किया, नहीं तो वो मर जाता। स्नोलैक्स तू उठ तो गया पर गलत टाइम पे उठा है, क्योंकि मैं अब तेरे को बस पोकी बॉल स्पैम करने वाला हूँ फिलहाल तो। देखते हैं, मेरे पास सब कुछ है, ये नॉर्मल पोके बॉल में तो ना आ रहा, तो मैं डायरेक्ट ग्रेड बॉल ही फेंकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार तू तो नॉर्मल पोके बॉल में आएगा नहीं, तेरे भी अलग ही नखरे होंगे। और ये तो ग्रेड बॉल में नहीं आ रहा है, बताओ। चलो कोई ना, एक तो हमारा भी बंदा सो गया। अल्ट्रा बॉल यूज़ करता है तेरे लिए, तू भी क्या याद रखेगा। अब अल्ट्रा बॉल में भी आ जा भाई, तेरे तू कितना लकी है, तेरे को सबसे महंगी पोके बॉल में रख रहा हूँ और तू आ नहीं रहा। ओ आ गया, चलो महंगी पोके बॉल में आ गया। चलो मोटा भाई हमारे साथ है, अब हमारे पूरी टीम हो गई भाई, लेट्स गो। मोटा भाई तुम हमारे साथ बैटल करोगे ना कि बस सोते ही रहोगे? एश फेल फास्ट एज स्लीप। ओके हम भी सो गए। जिगली पफ इज अपसेट, यू डिडेंट स्टे अवेक फॉर इट्स सॉन्ग, इट फ्लेड इन एन आउटरेज। ओके चलो वो भी हो गया। तो क्या अब हमें उस लड़की के पास जाने की बस चले हम लोग? आई डोंट थिंक उस लड़की के पास जाना होगा, पर तब भी दिखते हैं ना। मुझे नहीं लगता वो लड़की के पास जाना हो सकता है, वैसे भी मुझे नहीं लगता वो कुछ देगी भी, तो चलते हैं हम लोग। और अरे यार पोकीमोन, अरे हाँ मैं लैपरेस को बदल ही लेता हूँ ना, अब उसका क्या ही काम। और एक स्टोरी किया तो, पर वो ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं थी ना, इसीलिए मैं एक और स्टोरी करने वाला हूँ। प्लीज़ अगली वाली स्टोरी ज़्यादा ही बड़ी ना हो जाए, नहीं तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। पिकाचू बंटाए आ गया जो। और चलो यार मुझे स्नोलैक्स को निकनेम देना था मोटा भाई, पर चलो कोई ना। वैसे ऐश ने भी कहा ही निकनेम दिया था तो मैं क्यों दूँ। अरे भाई पोकी बंदे हैं यार, आराम से, ये छोटे बच्चे बैटल करने आ जाते भाई। ओके लड़की भी है पर उससे नहीं करनी बैटल, और फिर से मैक्स रिपल मारते हैं क्योंकि इधर पोकेमॉन्स बहुत आते हैं। ओके चलो अब, ओ भाई इधर ट्रेनर्स तो काफ़ी सारे हैं, पर भाई जाना कहाँ है, मैं गलत तो नहीं जा रहा? मोरो आइलैंड। ओके मोरो आइलैंड में क्या है उसको देखेंगे, पर पहले चेक पॉइंट कर लेते हैं अपना, पोकेमोन सेंटर जाके हील करते,
और फिर टेलीफोन में भी बात करेंगे, जो कि मेरा रोज का ही है। क्या पता गलती से हमें बात ही करना हो, मिशन ही हमारा हो कि बात करने का, इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ जब भी पगमोन सेंटर जाता हूँ। तो ठीक है, इस बार भी बात करते हैं और देखते हैं क्या है, कुछ है ऐसा वीडियो टेलीफोन वीडियो। ओ है, इस बार मिशन है। रिंग रिंग रिंग। एस सो यू आर कॉलिंग फ्रॉम मोरो आइलैंड, हाँ वेल यू टाइम्ड योर अराइवल परफेक्टली देन। हैवेंट यू हर्ड द न्यूज़? ग्रुप ऑफ डाइवर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड अ 300 ईयर्स ओल्ड ऑरेंज लीक ट्रॉफी फ्रॉम अ सनकेन शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ मोरो आइलैंड। ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ स्टडीज टू बी डन, बट देर सर्टेन इट द रियल थिंग्स। यू कैन इवन सो गो सी इट इफ यू लाइक। दे हैव द ट्रॉफी ऑन डिस्प्ले एट द मोरो आइलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट। नाइस टॉकिंग टू यू अगेन ऐश, गुड लक ऑन द रेस्ट ऑफ योर जर्नी थ्रू द ऑरेंज आइलैंड। ओके, ये मेरे को एक्चुअली, मुझे ये स्टोरी नहीं समझी, मतलब पता नहीं कौन सी स्टोरी है। उन्होंने बोला था कि म्यूजियम में है ना, तो चलते हैं म्यूजियम में। इधर नर्स जो है, आई मीन ऑफिसर जेनी, आई एम सॉरी, द म्यूजियम इज़ टेम्पररली क्लोज्ड। द ओल्ड ऑरेंज लीग ट्रॉफी वी हैड ऑन डिस्प्ले हियर हैज़ बीन स्टोलन। इट सीम्स सम थीव्स ब्रोक इन लास्ट नाइट एंड टुक इट। आई एम सॉरी बट यू हैव टू कम बैक सम अदर टाइम। ओ, कोई किसी ने चुरा लिया, या तो टीम रॉकेट के जेसी जेम्स होंगे। ओ नाम लिया हाजिर, मैं बोलना चाह रहा था या तो जेसी जेम्स होंगे या तो वो कैसिडी और बुच होंगे, पर टीम रॉकेट को देख के लग रहा है कि यही लोग चुराए। द टॉर्प, वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट एनी चैम्पियनशिप ट्रॉफीज, एंड इफ वी डिड वी सडनली वुडन हैव द स्टोलन वन। ओ ही इज नेवर थिंक वी टूक इट नाउ। नेवर माइंड, लेट्स स्क्रैम। भाई झूठ बोलोगे, तुम्हारी तो आदत है ना झूठ बोलने की। आ जाओ, अब बताता हूँ तुम्हें। भाई ट्रॉफी चुराते हैं यार, 300 साल पहले के, 300 साल पहले भी बैटल्स होते थे, ये नहीं पता था मुझे। ओके, ये कहाँ से कोहरा आ गया। ओके, इधर एक शिप भी है जो कि कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है शिप। ठीक है, ओ हम लोग इसके अंदर चले गए, वॉट। ओके, इसके अंदर अब जाके करें क्या? टाइटैनिक वाला सीन करना है। आ जा पिकाचू मेरे भाई, तेरे साथ टाइटैनिक वाला सीन करते हैं। नहीं नहीं करना, मेरे वो सब शौक नहीं है। चलते हैं हम लोग, रेपल ख़त्म। इधर पोगमोन आई डोंट थिंक आएंगे, तो रहने ही दो रेपल। TM-49 स्नैच मिल गया। ओके, और भाई ये कौन सी स्टोरी चल रही है, मुझे कोई समझाएगा? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। इधर सीढ़ी, इधर से ऊपर चलते हैं, एंड इधर रास्ता बंद है तो इधर से कूद के चलना होगा आई थिंक। ओह, उधर मेरे को ट्रॉफी दिख रही है ऑरेंज लीग वाली। ऐश के पास भी ऐसी ट्रॉफी थी। इट्स द एंशियंट ऑरेंज लीग ट्रॉफी, वुड यू लाइक टू टेक इट? वो ले लेते हैं। ओ दिस इट्स द कोस्ट पोकेमॉन गैस्ली एंड हॉन्टर, दिस सीम्स टू बी इंडिकेटिंग दैट दे डोंट वॉन्ट यू टू टेक द ट्रॉफी, बट यू कांट सीम टू अंडरस्टैंड वाई। ओ मुझे अब याद आए, इनका ट्रेनर था क्या था, हाँ वो 300 साल पहले वो जीता था। मुझे कहानी याद आ गई, इन लोग फिर म्यौत की मदद लेते हैं इनकी बात बताने के लिए। हैंग ऑन टर, दैट ट्रॉफी बिलोंग्स टू टीम रॉकेट, वी स्टोल इट फॉर आर सेल्फ, नाउ हैंड इट ओवर और प्रिपेयर टू फाइट। आ जाओ भाई, तुम्हारी ऐसी की तैसी करता हूँ, फाइट करेंगे। विक्ट्री बेल के लिए आयरन टेल मारते हैं, हालांकि गया नहीं पर अब चला जाएगा। अभी भी नहीं गया, अभी चला जाएगा, अभी भी नहीं गया, अब चला जाएगा। और कौन है, लिके टंग की ऐसी की तैसी, एक थंडर मारूंगा चला जाएगा। वीजिंग आ रहा है, वीजिंग की भी ऐसी की तैसी, एक थंडर मारूंगा वो भी चला जाएगा। और कौन आ रहा है, आरबॉक आ रहा है, आरबॉक की भी ऐसी की तैसी, उसको भी एक थंडर पे मार देंगे। तो भाई सब की ऐसी की तैसी कर दिए, टीम रॉकेट की पूरी ऐसी की तैसी कर दिए। अब चलो फाइन, कीप द ट्रॉफी, टीम रॉकेट्स ब्लास्टिंग ऑफ अगेन।
अरे ये लोग तो चले गए। ओ म्याउथ बच गया, चलो अब पता चलेगा ये लोग क्या कह रहे हैं। हंटर इज टेकिंग पोजेशन ऑफ म्याउथ इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट थ्रू इट। दिस ट्रॉफी बिलोंग टू आर मास्टर, ही हैज़ अ फैंटास्टिक पोकेमॉन ट्रेनर एंड वोन द ऑरेंज लीग कॉम्पिटिशन मैनी ईयर्स अगो। हाँ मुझे कहानी समझ गई थी जब मैंने गैसली हॉन्टर को देखा। सिंस ही लेफ्ट अस वी हैव बीन प्राउड टू गार्ड इट इन हिज एब्सेंस। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट राइटफुली बिलोंग्स टू हिम। वैसे ये लोग जिंदा कैसे? अरे हाँ मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ये लोग भूत है पहले से, तो ये लोग तो जिंदा ही रहेंगे ना। बिलोंग्स टू हिम एंड नो वन एल्स। ऐश इज थिंकिंग केयरफुली अबाउट हॉन्टर्स वर्ड। दे सीम्स टू बी जेन्युइन। परहैप्स इट्स बेटर टू लीव द ट्रॉफी विद गैसली एंड हॉन्टर। ओके ठीक है, तुम लोग ये ट्रॉफी ध्यान रखो और हम लोग सीधा मोरो आइलैंड पे आ गए। और क्या अब हमें ये जाने देगी? ओ जाने दे दी, एक बार 1 सेकेंड बात तो कर लेने दे। वी वर नेवर एबल टू रिकवर द ट्रॉफी बट द म्यूज़ियम इज़ ओपन अगेन टू विजिटर्स। ओके ठीक है, थोड़ा म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। कितना पैसा लगेगा? 50 रुपये। ओके ये मुझे प्यूडा सिटी की याद दिला रहा है, पर कोई ना। हाँ जो जिसकी ट्रॉफी है उसकी मालिक के पास रहना चाहिए, तो हाँ वो लोग रक्षा कर रहे ट्रॉफी है। इट्स अ लवली पेंटिंग। क्या पेंटिंग है वो कि फॉसिल है? इट्स अ लवली पेंटिंग, दोनों में एक ही चीज़ बोला। और अच्छा शायद इधर ही ट्रॉफी रखी होगी, फिर चोरी हो गया तो। हाँ जैसे चोरी नहीं बोल सकते, देखा जाए तो उन लोग रक्षा ही कर रहे हैं, अपने मालिक की है पेंटिंग तो उनके पास तो होनी चाहिए। क्योंकि जितना मालिक का ट्रॉफी उतना पोकेमॉन का ट्रॉफी है, क्योंकि उनकी वजह से ही तो जीतते हैं। और तेरे सही बता रहा हूँ, रुक जाओ यार 1 सेकेंड, तेरे म्यूज़ियम पे थू है भाई, कुछ भी नहीं था, बस गया और इट्स अ लवली पेंटिंग, कुछ भी नहीं था यार लिटरली। इधर कौन ही जाएगा, 50 रुपये बर्बाद हो गए। चलो कोई ना, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करना, लाइक का टारगेट है 12 लाइक्स का। और सब्सक्राइब कर लो, हमें 1K करना है। और कल आई थिंक पोकेमॉन रॉकेट एडिशन की वीडियो आने वाली, तो उसे भी ज़रूर से देखना। बाकी मिलेंगे ऐसे कमाल की अच्छी से वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।